दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. Finally, वो दिन आ ही गया जिसका हर एक क्रिकेट लीग में हमें बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बैश लीग 2020-21 के फाइनल मुकाबले की, जो कि सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में खेला जाने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी पिक भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये छोटा सा ऐड देखिए। यकीन मानिए, इस ऐप का इस्तेमाल मैं खुद कर रहा हूँ और यहाँ पर आप सच में पैसे कमा सकते हैं। हाय गाइस, मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है। और हाल ही में मैंने माय 11 सर्कल नाम का एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप पाया, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें हम सच में राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। आपको बता दें कि माय 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना वास्तव में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस दोनों विरोधी टीमों में से अपनी 11 चुन लेनी है और टीम बना लेनी है। इतने लंबे समय के बाद भारत में ही क्रिकेट खेल रहा है और माय 11 सर्कल पर आपको वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिमांडिंग लेग स्पिनर राशिद खान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यदि आप राशिद की टीम को हराते हैं तो आप 3 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना मजा आएगा जब आप राशिद खान जैसे लेजेंड को हराएंगे। माय 11 सर्कल के बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि जीता हुआ कैश सीधे आपके खाते में जमा हो जाता है। और यकीन मानिए, यह सच में बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर ऐप है। आपको बता दें कि यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हाल ही में माय 11 सर्कल पर करोड़पति बन चुके हैं। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करिए और माय 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाइए। इसके अलावा अपने पहले डिपॉजिट पर ₹1500 तक का बोनस पाइए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। थैंक यू। अब मैच की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है और अब तक यहाँ बिग बैश इतिहास के 42 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 18 बार पहले बैटिंग करने वाली वहीं 23 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। सिडनी के इस विकेट पर बैटिंग करना काफी ज्यादा आसान रहता है, जो कि इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिल सकता है और आपको इस मुकाबले में 180 से 190 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स की। तो इनका प्रदर्शन इस बिग बैश में बहुत ही जबरदस्त रहा है और इन्होंने इस साल पॉइंट टेबल पर पहला स्थान हासिल किया है। सिडनी सिक्सर्स की टीम ऑलरेडी प्लेऑफ के एक बड़े मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को धूल चटा चुकी है और एक बार फिर से इन्हें मात देने के इरादे से उतरेगी। सिडनी सिक्सर्स की ताकत है इनकी डीप और मजबूत बल्लेबाजी। जॉस फिलिपी और जेम्स विंस एक बार फिर से अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जॉस फिलिपी पहले से ही जबरदस्त फॉर्म में थे और अब जेम्स विंस भी 98 रनों की पारी खेलकर टीम के खिलाफ उन्होंने 98 रनों की पारी खेली थी, फॉर्म में अब वो आ चुके हैं। इन दोनों के अलावा डेनियल क्रिश्चियन और जॉर्डन सिल्क के बल्ले से भी बड़ी पारियों के आसार नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर इनकी गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में इनकी टीम ने थोड़ा सा इस साल निराश जरूर किया है, लेकिन सिडनी के इस मैदान पर डेनियल क्रिश्चियन, सीन एबॉट और कार्लोस बेथवेट जैसे गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। तो इनकी टीम ने भी इस साल बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इन्होंने पॉइंट टेबल पर दूसरा स्थान हासिल किया है। पर्थ स्कॉचर्स की टीम पहले क्वालिफायर में सिडनी सिक्सर्स के हाथों मिली करारी हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। सिडनी सिक्सर्स की तरह ही इनकी भी ताकत है इनकी खतरनाक और कुखार बल्लेबाजी, खास करके इनका टॉप ऑर्डर जिसमें इनफॉर्म कॉलिन मुनरो, खतरनाक कुखार लियम लिविंगस्टोन और जॉस इंग्लिश जैसे बेहतरीन बल्लेबाज शामिल हैं। ये तीनों ही बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में हैं और इस मुकाबले में विध्वंस मचा सकते हैं। पर्थ स्कॉचर्स की गेंदबाजी भी इस साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रही है। आपको बता दें कि जॉय रिचर्डसन ने अकेले ही तांडव मचा रखा है। जी हां, उन्होंने इस बिग बैश में सर्वाधिक 27 विकेट लिए हैं। इनके अलावा पर्थ की टीम में जैसन बैंड्रॉप और एंड्रू टाई जैसे इनफॉर्म गेंदबाज भी हैं। अब बात करते हैं हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 19 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 8 बार सिडनी सिक्सर्स को जीत मिली है, वही 11 बार पर्थ ने जीत का परचम लहराया है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सिलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया है। माय 11 सर्कल ऐप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप लीजेंड राशिद खान के साथ हेड टू
बैट खेलते हो तो आप अपने कैश को 3 गुना भी बना सकते हो। डाउनलोड करते ही 1500 रुपए तक आपको बोनस मिलेगा अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डाउनलोड जरूर करना और ट्राई जरूर करना। सबसे पहले विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, तो 2 विकेट कीपर हमने यहाँ पर लिए हैं, जॉस फिलिपी और जॉस इंग्लिश। जॉस फिलिपी बहुत ही प्रचंड फॉर्म में है, इस मैच में रन बना सकते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। जॉस इंग्लिश को भी आप ले सकते हो, ये रन कर सकते हैं। उसके अलावा 3 बल्लेबाजों को हमने लिया है, जेम्स विंस जो कि इसी टीम के खिलाफ क्वालिफायर 1 में 98 रन बनाए थे, अच्छे फॉर्म में है, ओपनिंग के लिए आएंगे, अच्छे रन कर सकते हैं। जॉर्डन स्टील को लिया है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, वो भी रन कर सकते हैं। कॉलिन मुनरो को हमने यहां पर लिया है, आप चाहो तो जॉर्डन स्टील को हटा के डेनियल ह्यूजेस को भी ले सकते हो, या फिर किसी और बल्लेबाज को भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे कि जेसन रॉय है, एंस्टन टर्नर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 बल्लेबाज जो है आपकी टीम में होने चाहिए। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहां पर हमने 4 ऑलराउंडर्स को टीम में पिक किया है। डेनियल क्रिश्चियन जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, बल्लेबाजी में कमाल धमाल दिखा सकते हैं, बड़े मैच के प्लेयर है, गेंदबाजी में भी कमाल धमाल दिखा सकते हैं, बड़े मैच के प्लेयर है। लियम लिविंगस्टोन को हमने लिया है, ओपनिंग के लिए आएंगे, अच्छे फॉर्म में है, रन कर सकते हैं। मिचेल मार्श को लिया है और कॉलस ब्रेथवेट को लिया है जो कि गेंदबाजी से इस मुकाबले में धमाल कर सकते हैं। बल्लेबाजी से इनसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से कमाल धमाल दिखा सकते हैं। जो रिचर्डसन को हमने लिया अपने गेंदबाजों के रूप में, उसके अलावा बैन डॉयस को लिया है, 2 गेंदबाजों के साथ हम यहाँ पर जा रहे हैं। आप एंड्रू टाई और जेसन बैंड्रॉप को भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पर हमने 4 ऑलराउंडर्स को लिया है, 3 बल्लेबाजों को, 2 विकेटकीपर को और 2 गेंदबाजों को लिया है। ये अपने टीम की प्रीव्यू दिख रही है। कैप्टन हमने जॉस फिलिपी को बनाया है, वाइस कैप्टन डेनियल क्रिश्चियन को बनाया है। आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको अपने मन से डिसाइड करना है, और आपकी 11 कौन सी टीम है, आपकी माई 11 सर्कल पर प्लेइंग 11 क्या है आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में दमदार साबित होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप वहां पर T10 की अपडेट भी पा सकते हो। और ये जो मैंने टीम बताई है ये हेड टू हेड की टीम है, स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर ही मिलेगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार सिडनी सिक्सर्स की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि सिडनी सिक्सर्स ये मुकाबला जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि पर्थ स्कॉचेस ये मुकाबला जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।